की सरकार के सबसे कद्दावर मंत्री अमित शाह संभालेंगे गृह मंत्रालय का पदभार, सुबह 11:30 बजे जाएंगे दफ्तर। केंद्र सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं अमित शाह, गांधीनगर से पहली बार जीता लोकसभा चुनाव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज संभालेंगे पदभार, पिछली मोदी सरकार में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने से पहले वॉर मेमोरियल जाएंगे राजनाथ सिंह, शहीदों को करेंगे नमन। राजनाथ सिंह के सामने हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ सेना को सशक्त बनाने की होगी चुनौती, सरहद पार पाकिस्तान और चीन से होने वाली गतिविधियों की भी रखनी होगी नजर। दूसरी पारी के पहले कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसान पेंशन योजना को दी मंजूरी। किसानों और सरकार की हिस्सेदारी से चलेगा किसान पेंशन योजना, 60 साल की उम्र के बाद हर महीने मिलेंगे 3000। अब इस योजना के अंतर्गत जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको 60 वर्ष पूरी करने के पश्चात 3000 रुपया मासिक पेंशन प्राप्त होगी। मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना का भी बढ़ाया दायरा, करीब 15 करोड़ किसानों को होगा फायदा। शपथ लेने के दूसरे ही दिन एक्शन मोड में सरकार, मंत्रालय के बंटवारे के 5 घंटे बाद ही कैबिनेट की पहली बैठक। 17 जून से 26 जुलाई तक होगा संसद का नया सत्र, 19 जून को होगा स्पीकर का चुनाव। 20 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति, 5 जुलाई को पेश होगा बजट। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया कामकाज, बापू और पटेल की मूर्ति को नमस्कार करने के बाद संभाली कुर्सी। दूसरी पारी में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला, शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप में किया इजाफा। शहीदों के बेटों को अब 2000 की जगह मिलेंगे 2500, शहीदों की बेटियों की स्कॉलरशिप में भी 33% का इजाफा। बदहाल अर्थव्यवस्था, मोदी सरकार की दूसरी पारी के लिए बड़ी चुनौती, पहली बार वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमन के सामने टफ टास्क। निर्मला सीतारमन को जीडीपी में आए गिरावट से होगा निपटाना, चौथी तिमाही में जीडीपी 5% घटकर 5.8% हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के सामने बेरोजगारी भी बड़ी समस्या, 45 सालों में सबसे अधिक 6.1 तक पहुंची बेरोजगारी दर। निजी निवेश 14 साल के निचले स्तर पर, भारत पिछले 5 वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि को भुनाने में पूरी तरह से रहा विफल। निर्मला सीतारमन के सामने जीएसटी के सरलीकरण की चुनौती, कारोबारी है असंतुष्ट। आर्थिक मंत्री और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरा, कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा हम चुनाव हार गए लेकिन इस बात की खुशी है कि जनता के बीच सही मुद्दे उठाए थे। भूपेंद्र हुड्डा का बयान, चुनाव के दौरान बीजेपी के लिए बेरोजगारी नहीं था कोई मुद्दा लेकिन अब सरकार ने माना बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा। आईएमएफ अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, कहा रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी और सबसे कम जीडीपी, मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज, नेता सदन का होगा चयन, सुबह 10:30 बजे होने वाली बैठक में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक में करेंगे शिरकत। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी आज बैठक, राहुल के इस्तीफे पर दूर हो सकता है सस्पेंस। राहुल गांधी ने गांधी परिवार के इतर पार्टी अध्यक्ष चुनने का दिया है सुझाव, पार्टी के दिग्गज नेता उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने का दे रहे सुझाव। वायनाड का दौरा करेंगे राहुल गांधी, 7 जून को अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से करेंगे मुलाकात। कल राहुल गांधी से मिले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में गठबंधन को लेकर चर्चा। आज दोपहर 12 बजे मुंबई में एनसीपी की अहम बैठक, बुरी तरह पराजय के बाद शरद पवार पार्टी के पुनर्गठन पर जोर। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार अब युवा नेतृत्व को दे सकते हैं तरजीह, लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाले पदाधिकारियों की जा सकती है कुर्सी। कल कोलकाता में ममता बनर्जी के घर टीएमसी के कोर कमेटी की बैठक, खराब प्रदर्शन को लेकर हुई माथापच्ची। सीएम ममता ने तैयार किया संघ से निपटने का प्लान, बीजेपी के जय श्री राम के नारे का अब ममता जय हिंद वाहिनी और बंग वाहिनी से देंगी जवाब। ममता ने जय हिंद वाहिनी बंग वाहिनी के हर ब्लॉक में गठन की बनाई योजना। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा लगाने वालों की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत, पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा ममता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। नॉर्थ परगना में
सीएम के सामने लगे थे जय श्री राम के नारे। ममता ने 7 लोगों को करवाया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रही जय श्री राम पर तकरार, बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प। वर्धमान में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, जय श्री राम बोलने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया हमला। मारपीट में 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं को लगी चोट, बीजेपी कार्यकर्ता भी घायल। थाने में दर्ज कराई शिकायत, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह, बाबुल सुप्रियो के दोबारा मंत्री बनने पर बांटी मिठाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं बस के यात्रियों और पैदल जा रहे राहगीरों को मिठाई खिलाकर किया अपनी खुशी का इजहार। मायावती आज करेंगी लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त की समीक्षा, दिल्ली में होगी बैठक। बीएसपी की बैठक में राजस्थान के सभी 6 बीएसपी विधायक भी होंगे शामिल। मायावती ने 3 जून को पार्टी के पदाधिकारियों की बुलाई बैठक, मौजूदा बीएसपी सांसद, जोन के प्रमुख और जिला बीएसपी अध्यक्ष बैठक में होंगे शामिल। हरियाणा के रेवाड़ी में एक स्कूल राज्य के शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में डांसर्स ने लगाए ठुमके, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। छात्रों के बीच पहुंचे रामविलास शर्मा, अभी तक चुनावी मोड में नजर आए, बोले कुछ दिनों बाद पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढते रह जाओगे, हम छेड़ते नहीं और छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं। पाकिस्तान को नक्शे में ढूंढते रह जाओगे कि हम छेड़ते नहीं है और छेड़ने वाले को हम छोड़ते। दिल्ली में कांग्रेस ने दी रोजा इफ्तार पार्टी, नजर में अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में कांग्रेस को आप से मिले थे ज्यादा वोट। दिल्ली के 7 में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस दूसरे पायदान और आम आदमी पार्टी तीसरे पायदान पर रही। कांग्रेस से मुस्लिम मतदाताओं में पैट का नतीजा मान रही, केजरीवाल पर मुस्लिम मतदाताओं से छल का लगाया आरोप। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला का सीएम मनोहर लाल खट्टर पर विवादित बयान, कहा नालायक और बेकार पशुओं को कहते हैं खट्टर। पिछले 5 महीने में आतंकियों पर जमकर टूटा सुरक्षा बल का कहर, 101 आतंकियों का हुआ खात्मा। पिछले 5 महीने में 25 विदेशी और 76 स्थानीय आतंकवादी ढेर, इसमें लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल। कल जम्मू कश्मीर के त्राल में भी मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर, इनमें 1 विदेशी और 1 स्थानीय आतंकी शामिल। त्राल में मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। शोपिया में 3rd दिन भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी, आतंकी संगठन से जुड़ने वाले 3 शख्स की हुई पहचान। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने कमला सरकार से पबजी गेम पर प्रतिबंध की मांग की, बच्चों में बढ़ती दुर्घटनाओं का दिया हवाला। नीमच में पबजी गेम खेलते वक्त गई थी 16 साल के बच्चे की जान, विधायक की दलील, बच्चे पॉकेट मनी का पूरा पैसा नेट रिचार्ज में कर रहे खर्च। असम के चारडियों में भीड़ ने तेंदुए को घेर कर मार डाला, पार की बर्बरता की हर हद। तेंदुए के अगले दोनों पैर काटकर लोगों ने फंदे पर लटकाया शव। देवघर में बिजली गिरने से गई 1 शख्स की जान, मासूम बच्चे घायल, मवेशी भी वज्रपात की चपेट में आए। आजमगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात, 6 बच्चों की मां से गैंगरेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। अकोला में गरीबी से तंग आकर मजदूर दंपत्ति ने की खुदकुशी, कुएं में कूद कर दी जान। यूपी के गोंडा में बच्चों के मामूली विवाद में बड़ों के बीच हुआ संघर्ष, 8 घरों में लगाई आग, मारपीट में 6 लोग घायल। दिल्ली के तिलक नगर में ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 50 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद। दिल्ली के रनहौला में बदमाशों ने मंदिर पर बोला धावा, मंदिर और पुजारी का सामान लेकर फरार, चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हुए हादसे के शिकार, लगी चोट। पटना में तेज प्रताप की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई, भीषण हादसे में दोनों गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पटना में इको पार्क के पास हुआ हादसा इतना जबरदस्त था कि तेज प्रताप की विटारा ब्रेजा गाड़ी से टक्कर के बाद फुटपाथ पर चढ़ गई हुंडई की वरना से हुई टक्कर। हादसे में कुछ और लोगों को आई चोट, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बरेली में मंदिर परिसर में मांस खाने पर मजदूरों की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मजदूरों को जूते चप्पल और बेल्ट से पीटा गया, पुलिस ने 7 लोगों पर दर्ज किया केस। जैसे में तेज रफ्तार का टूटा कहर, संतुलन खोने पर
बलैनो के ड्राइवर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। गनीमत रही हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। पाली में आवारा कुत्तों का मासूम बच्ची पर टूटा कहर, पांच कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह घायल किया, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। फतेहाबाद पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में बिहार के एक शख्स को किया गिरफ्तार, 6 साल के मासूम को बेचने की कोशिश कर रहा था शख्स। मराठवाड़ा में भीषण गर्मी से जल संकट से जूझ रही जनता, खाना बनाने के लिए भी टैंकर के आने का रहता है इंतजार। मराठवाड़ा के लोगों की मांग, बैठन बांध से गांव के लोगों के लिए किया जाए पेयजल का बंदोबस्त। महाराष्ट्र के वासिम में सूखे ने पैदा की नई समस्या, काकड़ सिवनी गांव की बहुओं ने ससुराल छोड़कर मायके का दामन थामा, पानी की समस्या हल होने पर ही लौटने की धमकी दी। अंबाला में भी गर्मी ने लोगों को किया बेहाल, स्कूली बच्चों से लेकर युवा बुजुर्ग महिलाओं सभी परेशान। अंबाला की एकमात्र महिला ऑटो रिक्शा चालक ने बयां किया दर्द, भीषण गर्मी में परिवार चलाने के लिए सवारी के लिए पड़ रहा भटकना। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे गर्म 50 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। तप्त सूरज ने दिल्ली समेत एनसीआर में लोगों का छुड़ाया पसीना, दिल्ली में करीब 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा अधिकतम तापमान। प्रयागराज में टूटा गर्मी का 25 सालों का रिकॉर्ड, जून की शुरुआत में पारा 48 डिग्री के पार। तमिलनाडु के कई इलाकों में जल संकट, मदुरई में सूखे जलाशय, शहर को पेयजल मुहैया कराने वाली झील सूखती दिखे। आज से पर्यटकों के लिए खुलेगा रोहतांग दर्रा, जून महीने में भी पर्यटक कर सकेंगे बर्फ का दीदार। बागेश्वर में अब तक नहीं बुझी जंगल में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। टिहरी में जल रहा जंगल, करोड़ों की वन संपदा खाक। टिहरी में अस्पताल के करीब पहुंची जंगल में लगी आग, वन विभाग के पास आग पर काबू पाने में पर्याप्त उपकरण नहीं। जंगल की आग और धुएं से रिहायशी इलाके में बड़ी मुश्किल, तापमान में इजाफे के साथ धुएं से बड़ी दिक्कत। हल्द्वानी में करोड़ों की वन संपदा खाक, सूखते जल स्रोतों से बड़ी मुसीबत। राजस्थान के कोटा में 6 साल की मासूम की सनसनीखेज हत्या, गला घोटकर छत पर रखी टंकी में लाश को लगाया ठिकाने। मध्य प्रदेश के सीहोर में डूबकर 3 की मौत, शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे 3 युवक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से गई जान। फिरोजाबाद में ट्रक से टकराई वैगनार, 3 युवकों की मौत, 5 लोग थे सवार। हरियाणा के फतेहाबाद में युवक की हत्या, आरोपी ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों की अफवाह के वारदात को दिया अंजाम। वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के हाथों पिटा पाकिस्तान, 7 विकेट से मिली मात, क्रिस गेल ने जमाई हाफ सेंचुरी। 105 पर ही सिमट गई थी पाकिस्तान की टीम, 4 शिकार करने वाले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज थॉमस बने मैन ऑफ द मैच। उद्घाटन मैच में दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद बोले इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन, कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढालने में कामयाब हुए हमारे बल्लेबाज। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद, अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार के मुकाबले में खेल सकेंगे डेविड वार्नर, पैरों में सूजन से वार्म अप मैच से बाहर थे। नए खेल मंत्री किरण रिजिजू बोले परंपरागत खेलों को भी मिलेगा बढ़ावा, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।